हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीकी शीकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल स्टूडियोज की तरफ से जो नया शो चल रहा है मिस मार्वल के एपिसोड 4 के बारे में। मैंने ऑलरेडी एपिसोड 1, 2 और 3 को कवर कर रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो प्ले लिस्ट ढूंढ लीजिए, बहुत ईजी तरीके से आपको मेरी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों आज के एपिसोड का टाइटल है सीइंग रेड। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कमाला खान फ्लाइट में बैठ के कराची पे लैंड होने वाली है एंड उसकी माँ उससे अभी भी बहुत ज्यादा नाराज है। उसकी माँ उसे यही कहती है सिर्फ हम अभी नानी से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए टेम्परेरी बेस पे तुम्हारी पनिशमेंट को भी रोक दिया गया है, वरना जैसा भी तुमने कारनामा किया है अपने भाई की शादी में उस हिसाब से तो तुमको लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, सिंस वो नानी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो अभी एज ऑफ नाउ कोई भी पनिशमेंट नहीं है। कमाला जब लैंड होती है तो वो देखती है उसके दो कजन्स लेने के लिए आए हैं उसको, उसी के साथ उनकी नानी भी वहीं पे मिल जाती है। ऑल्दो नानी काफी ओल्ड है पर वो काफी एक्साइटेड थी अपनी बच्ची से मिलने के लिए और अपनी ग्रैंड डॉटर से यानी कि कमाला से मिलने के लिए, तो इसलिए वो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव ही करने आ गई थी। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि तीनों निकल पड़ते हैं आगे अपने घर की तरफ। कमाला जब अपने नानी घर पहुंचती है तो काफी अम्यूज फील करती है क्योंकि वो लिटरली पैलेस जितना बड़ा था। उसके बाद जब कमाला अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी नानी ने बहुत सारी पेंटिंग कर रखी है। उसकी नानी उसको आके ये बताती है कि पार्टीशन के टाइम की उनके पास जितनी मेमोरीज हैं उन्होंने इन सबको इन पेंटिंग में उतार दिए है। प्लस इसी के बाद उसकी नानी उसकी मॉम की यानी कि नानी की मॉम की यानी कि आयशा की एक तस्वीर भी दिखाते हैं जो कि उन्होंने खुद से बनाई हुई है। और इस चीज़ को भी देख के कमाला काफ़ी अम्यूज फील करती है अपनी पर नानी यानी कि आयशा की फ़ोटो देख के। कमाला अपनी नानी से पूछती है कि क्या मैं जिन हूँ, और उसकी नानी काफ़ी कैजुअली बहुत आराम से बताती है कि हाँ तुम जिन हो एंड इसी को लेकर फर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बस डिपेंड करता है कि तुम कैसी हो इन रियल लाइफ, अच्छी या बुरी। उसी के साथ कमाला उस बैंगल के बारे में पूछती है, लेकिन असली कहानी तो उस बैंगल के बारे में है ना कि बैंगल मेरे पास कैसे पहुंचा, ये बैंगल आपने मुझे क्यों दिया और जो मुझे वो बार बार ट्रेन दिख रही है वैसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी नानी बताती है कि जब वो लोग इंडिया से आ रहे थे तो काफ़ी गर्मी वाली रात थी एंड किस तरीके से वो अपने फादर से यानी कि उसकी नानी है उनके फादर से अपना हाथ छूट गया था, लेकिन समाओ इस बैंगल ने सितारों की मदद से स्टार्स की मदद से वो रास्ता दिखाया एंड वो अपने फादर के पास समाओ पहुंच गई। उसकी नानी आगे ये भी बताती हैं कि बैंगल की जो भी पूरी गुत्थी चल रही है जो पूरी कहानी चल रही है इसके लिए तुम्हारा यहाँ पे कराची आना ज़रूरी था। ऑल द कमाला काफ़ी कन्फ्यूज है कि मैं कैसे सॉल्व करूँगी, पर नानी कहती है कि हमको साथ मिलकर करना ही होगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कमाला उस दिन जब बिस्तर पर सोती है तो उसको वापस वही डरावने सपने आते हैं, उसको दिखाई देता है कैसे उसकी वेडिंग पे उसके भाई की वेडिंग पे कैसे हमला कर दिया था नजमा ने और वो सब कुछ। लेकिन जब वह सो के उठती है तो देखते हैं कि उसके वही दोनों कज़न उसको रिसीव करने के लिए आए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रखा है कि कमाला को लेके क्लब में जाना है, वहाँ पर लंच करेंगे एंड बाकी कुछ भी करेंगे एंड कमाला को ज़ोर ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। आगे हम ये देखते हैं कमाला अपने कज़न्स के साथ कराची गलियों में घूम रही होती है, उसके उसके कज़न डिसाइड करते हैं कि हम आगे कॉफ़ी पर जा रहे हैं, पर कमाला कहती है मुझे कॉफ़ी पर नहीं जाना, इनफैक्ट मुझे रेलवे स्टेशन जानना है क्योंकि वो अपनी नानी के बारे में जानना चाहती है क्योंकि उसको बार बार वो ट्रेन दिखाई दे रही थी सपनों में। लेकिन उससे कज़न कहते हैं कि तुमको अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो जाओ, हम तो अपने दोस्तों से मिलने जा ही रहे हैं कॉफ़ी पे। वहीं पे हमें आगे ये देखते हैं कि फोटोग्राफर होता है जो एक कमाला की फ़ोटो लेते हैं एंड 1500 रुपये मांगते हैं उससे, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 1500 रुपये मांगते हैं। कमाला कहती है ठीक है मैं तुमको पैसे दे दूँगी लेकिन उसके बदले तुमको ये भी बताना होगा कि रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है। कमाला अकेली कराची रेलवे स्टेशन में पहुँच जाती है एंड जो आई शेड या फिर आई मास्क जो कि ब्रू ने बना के दिया था उसको पहन लेती है ताकि कोई इसको पहचाने ना। कराची रेलवे स्टेशन पे जब कमाला खान अपनी तरफ से तलाश कर रही होती है तभी देखते हैं कि उसके ऊपर एक हमला होता है। यहाँ पर हमको छोटा सा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। कमाला अब धीरे धीरे अपनी पावर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करने लग गई है। खैर तभी हम देखते हैं कि जो इंसान उस पर हमला कर रहा था वो बताता है कि मुझे नूर की वजह से पता चल गया कि कोई ना कोई यहाँ पे है। उसके हाथ में बैंगल देखते हैं एंड वो पूछता है कि तुमको बैंगल किसने दिया, आयशा ने। कमाला कहती है तुम आयशा को कैसे जानती हो। फिर वही आदमी जो ही कमाला पे हमला कर रहा था कहता है कि मेरे साथ चलो मुझे तुमको किसे मिलवाना है। वही लड़का जिसने हमला किया था कमाला पे वो अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ मेंबर ऑफ रेड डैगर। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने गाइस फरहान अख्तर की एंड फरहान अख्तर अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। गाइस यहाँ पे एंट्री होती है अपने फरहान अख्तर की एंड वो बताते हैं वैसे तो यहाँ पे किसी टूरिस्ट का आना अलाउड नहीं है पर आयशा के खानदान के लिए फिर कमाले के लिए ऐसे कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आयशा यहाँ पे आ जा सकती है। गाइस यहाँ पे फरहान अख्तर अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं एज वालिद। फरहान अख्तर का यहाँ पे नाम दिया गया वालिद एंड वालिद बताते हैं कि जो जिन तुम अभी तक समझ रहे हो वो वैसे जिन नहीं है। वो एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर थॉर हिमालय की माउंटेन्स पे गिरा होता
तो शायद लोग उसको भी जिन कहते हैं। वालिद गई है, फिर फना अख्तर यहाँ पे समझाते हैं कि जो आयशा है या फिर जो नजमा ने हमला किया, जितने भी जिन हैं, वो हमारे आसपास एक दूसरी डायमेंशन में रहते हैं। हम उनको देख नहीं सकते पर वो हमेशा हमारे साथ हैं। वालिद यहाँ पे ये भी समझाते हैं कि अगर क्लैंडेस्टाइन या फिर अगर नजमा और उसकी टीम के हाथ में कड़ा आ गया तो वो हमारी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। इतने केपेबल हो जाएंगे वो इस बैंगल की मदद से। वालिद आगे ये भी बताता है कि तुम्हारे बैंगल पे जो लिखा है वो लिखा है व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, मतलब तुम्हारी मंजिल तुमको खुद ढूंढ रही है। आगे हम ये देखते हैं कि DODC जहाँ पे जितने भी क्लैंडेस्टाइन और नजमा उसकी टीम थी पकड़ रखा होता है, लेकिन नजमा और उसकी टीम संभाव अपने आपको फ्री कर देते हैं यहाँ पे हमला करके और कामरान को पीछे छोड़ जाते हैं। नजमा कहती है कि अभी हमारी टीम का पार्ट नहीं रह सकता है क्योंकि इसने फैसला कर लिया है। कमाला अपनी नानी से ज्यादा आगे मिलती है। उसकी नानी पूछती है कि क्या तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिले, लेकिन कमाला कहती है नहीं अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना। इसी बीच उसकी नानी एक बार फिर से अपना दर्द यहाँ पे जताती है कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा था। वो ये बताती है कि पैदा तो हिंदुस्तान में इंडिया में हुई है लेकिन कागजों के हिसाब से वो पाकिस्तान की। उसके बाद उसकी नानी कहती है कि तुम जाओ एंजॉय करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। कमाला रात को उसी लड़के के साथ जिसने उस पर हमला किया था, रेड डैगर का जो कि मेंबर है, उसी के साथ वो शाम को एक बॉन फायर में जाती है। कमाला बिरयानी और बॉन फायर को एंजॉय करती है उसी रेड डैगर के मेंबर जिसका नाम करीम, और एक काफी अच्छा माहौल बन जाता है उनके बीच में। कमाला जब बॉन फायर को एंजॉय कर रही होती है, हम देखते हैं कि इतने में माँ बेटी की बॉन्डिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पे माँ, हम कमाला की माँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कमाला की माँ और उनकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अपने नानी और कमाला की मॉम के बीच में एक बॉन्डिंग हम देखते हैं। वो कमाला की मॉम ये बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अमेरिका चलें, वहीं पर जाके रहें। वहीं पर कमाला की नानी कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाना चाहती है पर मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। कमाला की मॉम ये बताती है कि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी, आपकी इन वाइल्ड थ्योरीज, इन कहानियों से दूर जाना चाहती थी और नेबर से दूर जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहां जाके शिफ्ट हुई और आप हमारे साथ चलिए। गाइस आगे हम ये देखते हैं कि फरहान अख्तर फिर वालिद कही है, वो यहाँ पे कमाला को थोड़ा ट्रेन करना शुरू करते हैं। वालिद यहाँ पे ट्रेन करना शुरू करते हैं कमाला को, एनो बताते हैं कि कैसे तुम्हारी ताकत है वो काफी ज्यादा यूनिक है, तुम्हारी एबिलिटीज उस डायमेंशन को जहाँ पे क्लैंडेस्टाइन रहते हैं और जो ह्यूमन वाला वर्ल्ड है इसको एक दूसरे कनेक्ट करते हैं। वालिद यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर ही होता है कमाला को, प्लस उसी के साथ वो उसको कुछ अपने से गिफ्ट भी देते पहनने के लिए जो कि मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके उसके कॉस्ट्यूम का पार्ट बनेगा। तभी हम देखते हैं नजमा उसकी गैंग हमला कर देती है यहाँ पे, और फरहान अख्तर कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पे कमाला को यहाँ से लेके जाओ, मैं सबको संभालता हूँ। कमाला, वालिद और करीम वहाँ पे किस तरीके से वहाँ से निकलते हैं एक ऑटो में बैठ के, और पीछे वाले ऑटो रिक्शा में बैठ के नजमा उसकी गैंग उनका पीछा करती है। यहाँ पे एक लंबा चेस सीक्वेंस हमको देखने को मिलता है। वालिद के बाद फिर से करीम को इंस्ट्रक्शंस देता है कि कमाले को किसी महफूज या फिर किसी सेफ जगह लेके जाओ, नजमा की जो गैंग है मैं उनसे खुद निपटता हूँ। जो आगे चेस सीक्वेंस है उसमें हम कभी ये देखते हैं कमाले ट्रक को चढ़ा रही है, कुछ लोगों को उड़ा रही है, लेकिन करीम और कमाला समहाउ वहां से मैनेज करते रहते हैं लोगों से बचने का, लगातार भागते रहते हैं। आगे हम ये देखते हैं कमाला और करीम को बचाने के लिए वालिद खुद का सैक्रिफाइस करता है और नजमा उसको मार डालती है। वालिद चाहता तो खुद को बचा सकता था पर वो अपने डैगर्स का इस्तेमाल कमाला और करीम को बचाने में लगा देते हैं। कमाला काफी ज्यादा रोती है, परेशान होती है कि हमको उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन करीम बताता है कि अब वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। कमाला और करीम भागते भागते डेड एंड पर पहुंचते हैं जहां पे उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे साथ मिलकर हम लड़ेंगे नजमा की गैंग से। आगे होता यह है कि नजमा यहाँ पे हमला करते हैं सीधा कमाला पे, और कमाला अपना बैंगल आके लेके आ जाती है। जैसे उस बैंगल पे टच होता है कमाला यहाँ पे सडनली शिफ्ट हुए थे 1947 में और पार्टीशन का टाइम देख पा रही। कमाला के देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे लोगों को कितनी मुसीबतों के थ्रू गुजरना पड़ रहा था। कमाला के दिल में बहुत ज्यादा सिंपैथी आती है लोगों के लिए, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। क्वाइट पॉसिबल गाइस कि नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखें कि कमाला खान अपनी नानी की कहानी आगे देखे कि कैसे वो खो गई थी एंड कैसे अपने फादर तक पहुंच पाई, यानी कि सना उसकी नानी है, जब वो खो गई थी बचपन में कैसे बैंगल ने मदद करी उसको अपने फादर तक पहुंचने के लिए। यहीं पे दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस एपिसोड से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज कमेंट्स में जाके जरूर बताइए, एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड से। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। Thank you so much. Take care. Bye.